नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैथिकबेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि IBACIU 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं आपको जो 2017 की जो आपकी वैकेंसी थी IBACIU की, जिसका डिस्क्रिप्टिव का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2018 में हुआ था, उसकी ओरिजिनल जो RTI की कॉपी है वो दिखाने वाला हूँ। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको जो वहाँ पे कॉपी मिलेगी वो किस तरीके की मिलेगी। आपको लाइनिंग वाली कॉपी मिलेगी या बॉक्सेस वाली कॉपी मिलेगी, तो उस जैसी कॉपी पे अभी से आपको प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके अलावा किन एस्पिरेंट को, कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको अभी से TR2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और डिस्क्रिप्टिव में क्या है, ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में लिखना सीख जाओगे और आप बहुत अच्छा कर रहोगे वहाँ पे। आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके इतने मार्क्स बनने हैं तो आपको अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि 1 से 1.5 महीने जब तक कि आप इस पर काम नहीं करोगे तब तक कि आप अच्छा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन एस्पिरेंट को प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए, अगर आपके मार्क्स 50 या उससे ऊपर बन रहे हैं तो आपको UR कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो एस्पिरेंट हैं, बाकी जो कैटेगरी वाले एस्पिरेंट हैं, अगर वो इससे नीचे भी स्कोर कर रहे हैं तब भी उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया। अगर कोई कह रहा आपसे कि नहीं कट ऑफ 70 जाएगी, 60 जाएगी, 65 जाएगी, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। पेपर अगर आपने दिया है तो आपको रियलिटी पता है कि पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी टफ आया है। तो अगर आप 50 को टच कर रहे हो किसी भी कैटेगरी से, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप अगर किसी भी कैटेगरी से हैं और अगर आप 50 को टच कर रहे हैं या उससे ऊपर जा रहे हैं, तो आपको TR2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। उसके अलावा हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इसका प्राइस केवल 349 रुपीज़ है। अब ये कोर्स आपको क्यों परचेज करना चाहिए, सबसे बड़ी जो खास बात है इस कोर्स की वो क्या है कि यहाँ पर हम आपको आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है आपकी प्रिपरेशन में वो प्रैक्टिस से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको डेली टॉपिक देंगे, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा जो top 10 कॉपीज़ हैं वो हम आपके बीच में शेयर करेंगे, एक प्राइवेट ग्रुप होगा उस पर, और वहाँ से आप इवेल्युएट कर पाओगे कि जो टॉपर्स है वो किस तरीके से लिख रहा है, आप क्या कमियाँ कर रहे हो। तो इससे आपके अंदर जो है वो प्रोग्रेस आएगी डे बाई डे, और यहीं से आप बेहतर चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, जैसे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसके अलावा 100+ सेलेक्टेड जो ऐसे हैं उनकी PDF मिलेगी, उसके अलावा 50+ सेलेक्टेड जो प्रिसाइज की PDF है वो आपको मिलेगी, प्रिसाइज राइटिंग की। उसके अलावा 50+ RTI की कॉपी मिलेंगी, CHSL CGL की। उसके अलावा आपकी कॉपी चेकिंग होगी यहाँ पे टिल एग्ज़ाम तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं से कितना भी महंगा कोर्स खरीद लो, जब तक कि आप लिखोगे नहीं तब तक कि आप बेहतर नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो मेन फोकस है वो लिखने पे। इसका जो प्राइस है वो केवल 349 है। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। वहाँ पे जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे और इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पेपर है। आपको पता होगा कि IBACIU की जो वैकेंसी थी, एक वैकेंसी 2017 में आई थी जिसका डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, एक वैकेंसी 2020 में आई थी जिसका डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, और एक वैकेंसी अभी आपकी आई है 2023 में जिसका डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम है वो 2024 में होगा। तो कल मैंने आपको जो है, कल या परसों वाले वीडियो में मैंने 2021 की जो डिस्क्रिप्टिव की कॉपी थी वो आपको दिखाई थी। ये आप देख सकते हैं, ये 2018 की कॉपी है, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्टिव का आपका एग्ज़ाम होगा वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी में नहीं होगा, केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आप देख सकते हैं 2018 में जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर हुआ था, इसमें आपको ऐसे में केवल 3 ऑप्शन दिए गए थे, जबकि 2021 2020 वाला जो एग्ज़ाम था उसका जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था उसमें आपको 5 ऑप्शन मिले थे ऐसे में। यानी कि अब जो आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ऐसे के लिए 5 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना है। कितने वर्ड्स में? 400 वर्ड्स में। तो कौन कौन से टॉपिक पूछे गए? पहला जो टॉपिक था वो था सोशल मीडिया अबून और बैन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। उसके अलावा दूसरा जो टॉपिक था वो था डू यू एग्री दैट नेक्स्ट वर्ल्ड वार विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज जस्टिफाई योर कंटेंशन। उसके अलावा तीसरा जो टॉपिक था वो ये था, देर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग डिस्कस द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको दिए गए थे। अब आपको जो रियलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई कितना भी दावा कर ले कि हम ये आपको PDF दे रहे हैं इसमें से फंस जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा कह रहा है कि हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं उसमें से फंस जाएगा, नहीं फंसेगा भाई।
और कोई गारंटी इसकी नहीं दे सकता। हाँ ये जरूर है, देखो इस चीज़ को इस तरीके से आप समझो कि अगर आपको मैथ्स लगानी आ गई तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप चीज़ें कर पाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ऐसे यहाँ पे क्या है कि अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल आ गई तभी आप कर पाओगे। जैसे आपने बहुत कुछ पढ़ा है वो पढ़ा हुआ काम आएगा, क्या है कि इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर रहती है, जब टॉपिक आएगा तो हमारा दिमाग खुद काम करेगा कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इसके रिगार्डिंग ढेर सारे वीडियो आएंगे कि कैसे हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ, बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि फोकस आपको स्किल पे करना है, राइटिंग स्किल पे करना है। जब आप लिख पाओगे अच्छा लिख पाओगे, क्योंकि दिमाग में क्या है सबके होता है लेकिन दिमाग में जो है उसको एग्जीक्यूट करना ये सभी को नहीं आता है। तो जब आप इस पे मेहनत करोगे, काम करोगे तभी चीज़ें कर पाओगे, और जब लिखना आपको आएगा तभी आपके नंबर आएंगे। और जो मेन यहाँ पे रोल प्ले करेगा वो ऐसे ही करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऐसे का जो वेटेज है वो 30 मार्क्स का है। बाकी यहाँ पे प्रेसी राइटिंग और जो आपका कंप्रिहेंशन आएगा, देखो प्रेसी राइटिंग में भी क्या है, प्रेसी राइटिंग और कंप्रिहेंशन इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इसमें मार्क्स का वेरिएशन नहीं होगा। जो वेरिएशन आप लाओगे वो इसी से लाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट को जैसे इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 नंबर का ये है, कंप्रिहेंशन भी 10 नंबर का है और 10 नंबर का प्रेसी राइटिंग है। तो इसमें सभी लोग एक जैसा करेंगे, मार्क्स जो हैं इसमें जो डिफरेंस है वो क्रिएट नहीं होगा, जो डिफरेंस आपका क्रिएट होगा वो यहीं पे होगा। तो आपको सिलेबस समझ में आ गया कि 30 नंबर का ऐसे होगा, एक ऐसे आपको लिखना होगा, 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें से 400 वर्ड का आपको ऐसे लिखना है कोई एक टॉपिक पे, 5 जो ऑप्शन है उसमें से किसी एक टॉपिक को चूज करके उस पे आपको ऐसे लिखना है। उसके अलावा कंप्रिहेंशन में आपके हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, ये टॉपिक जो है वो 10 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन होंगे कंप्रिहेंशन का आपको, जैसे इस तरीके से पैराग्राफ दिया होगा और क्वेश्चन आपको 5 पूछेगा, इनके आप आंसर जो है वो आपको नोट डाउन मतलब वहाँ पे कॉपी पे लिखने हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रेसी राइटिंग मिलेगा, ठीक है, और ये भी इसका जो वेटेज होगा वो 10 नंबर का होगा, ठीक है। 130 प्रेसी राइटिंग लिखा जाता है। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आप क्रिएट करोगे एक तो प्रेसी राइटिंग से करोगे, उसके अलावा मैक्सिमम जो डिफरेंस आप क्रिएट करोगे वो ऐसे राइटिंग से करो, क्योंकि यहाँ पे इसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे नंबर आप तभी ले आ पाओगे जब आपके अंदर स्किल होगी लिखने की, तभी आप चीज़ें कर पाओगे। आप कितना भी रट्टा लगा लो, कितना भी किसी का कोर्स महंगा परचेज कर लो, कितनी भी पीडीएफ पढ़ लो, उससे कभी भी फायदा नहीं होगा। अगर आपके अंदर लिखने की स्किल है तो नॉलेज भले थोड़ा बहुत कम हो, थोड़ा बहुत कम डाटा आपको पता हो, लेकिन अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, अभी अगर टीयर 1 में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो यहाँ पर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे आपको कॉपी कैसी मिलेगी, देखो 2 तरीके की कॉपी होती है, जो आपका CHSL CGL का डिस्क्रिप्टिव होता था उसमें बॉक्सेस वाली कॉपी आपको मिलती थी, लेकिन यहाँ पे जो आपको कॉपी मिलेंगी वो लाइनिंग वाली इस तरीके से जो नॉर्मल कॉपी होती है वही आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इसी कॉपी पे, ऐसी कॉपी पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमने जो ये कोर्स स्टार्ट किया है इसमें क्या है कि हम कॉपी चेक करेंगे आपकी, बाकी कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, और यहाँ पे जो सबसे जो अच्छी कॉपी लिखी हुई होगी उसको हम डिस्कस भी करेंगे डेली क्लासेस के माध्यम से, उसको डिस्कस भी करेंगे। इससे क्या है कि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको बेनिफिट भी होगा। उसके अलावा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ढेर सारी जो वीडियो हैं वो इसके रिगार्डिंग आपकी आएंगी। तो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ पे कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।